अमेरिका के न्यूयॉर्क में रिहायशी इमारत में आग लगने से एक भारतीय पत्रकार की मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने रविवार को इसकी जानकारी दी। भारतीय दूतावास ने कहा कि 23 फरवरी को हार्लेम इलाके में एक अपार्टमेंट में आग लग गई थी। इसमें 27 साल के फाजिल खान की मौत हो गई। हमें दुख है कि हम उसके परिवार के संपर्क में हैं। उनका शव भारत पहुँचाने के लिए हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ई बाइक में लगने वाली लिथियम आयल बैटरी की वजह से इमारत में आग लगी थी। 17 लोग हादसे में घायल हुए थे। फाजिल ने 2020 में जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी की थी। दिल्ली के रहने वाले फाजिल ने 2020 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद से वो द हेंचिगर रिपोर्ट में जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। द हेंचिगर रिपोर्ट एक नॉन प्रॉफिट न्यूज़ रूम है। यह शिक्षा के क्षेत्र में असमानता और इनोवेशन पर रिपोर्टिंग करता है। फाजिल के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने 2018 में बिजनेस स्टैंडर्ड में एक कॉपी एडिटर के तौर पर शुरू किया था कैरियर। न्यूयॉर्क जाने से पहले वो दिल्ली में CNN News 18 में रिपोर्टर थे।